अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया उल्हाक और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक ट्रिक के बारे में। हम नॉर्मली डिफरेंट्स एरिया में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन किस तरह। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, मतलब मीन्स के लोग डिफरेंट तरीक़ों से इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये इसलिए है कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको टाइम्स को लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये बता देते हैं कि इससे ही ये आता है, तो ये तो ठीक हो गया, ये मेथड भी ठीक है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, इस पर हम बायोनॉमियल थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह पहले इसकी डिग्री को ज़्यादा लेंगे और इसको कम लेंगे, ठीक है, और फिर ये घटती जाएगी और ये इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और फिर ए ज़ीरो हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और पास्कल ट्रायंगल से इसके कोफिशिएंट वो लिख लेते हैं, पास्कल ट्रायंगल इसके जो कोफिशिएंट है वो लिख लेते हैं, इसका वन हो गया, इसका टू आ गया और इसका वन आ गया। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज है, लेकिन ओरिजिनली ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के इक्वल है, इसके बारे में आज देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिराइव करने के लिए एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो अब हम ये स्क्वायर के, हमें पता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी एक साइड को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं, मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हम इसमें कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि अगर आर्बिट्री पॉइंट के लिए प्रूव हो गया तो सारे पॉइंट के लिए फिर वो प्रूव होगा। ठीक है, तो इसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, और ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ जॉइंट करें और इसको इसके साथ टच करें। ठीक है, तो इसमें दो स्क्वायर बन गए और दो रेक्टेंगल आ गए। ठीक है, अब इसका साइड ए है और इसका ये साइड बी है, इसका ये साइड बी हो गया और इसका ये साइड कितना हो आएगा, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसका ये साइड ए आ जाएगा। ठीक है, और ये इसके अपोजिट है तो ये बी हो जाएगा, और ये साइड इसके अपोजिट है तो ये भी बी साइड आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे इस पर हम मजीद इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये स्क्वायर इसमें आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना आएगा इस स्क्वायर का, तो इस स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का एक साइड बी है, दूसरा साइड मीन्स के सारे साइड बी है, तो एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो बी को बी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इस रेक्टेंगल की, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एक साइड ए है और दूसरा बी है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया ए भी आ जाएगा और इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया बी ए भी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो ए है और हाइट इसकी बी है, तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका एक साइड कितना है ए प्लस बी है। ठीक है, ये यहां तक ए है और यहां तक ए बी है, तो वन साइड इसका ए प्लस बी आ गया, लेकिन इस बड़े वाले स्क्वायर का जब आप एरिया निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमें डिराइव करना है कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज की इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया जो कि ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमने इस स्क्वायर का एरिया निकाल लिया जो कि हमारे साथ बी स्क्वायर आ गया, तो इस सारे को हमने ऐड करना है। हमने इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जो हमारे साथ ए बी आ गया,
भी हमारे साथ ए भी आ गया। ये क्या आ जाएगा हमारे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन ई बी, वन ई बी, तो ए टू ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए प्लस बी होल स्क्वायर की डिराइवेशन ओरिजिनली इस तरह है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ट्रिक्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।